अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल फाइन। ये दिस इज़ योर टुडे डायरी, जिसमें आपका उर्दू कंप्यूटर एंड साइंस का वर्क है। उर्दू में आप लोगों का मज़मून इलामा अकबाल, जो आप लोगों की नई कॉपी पे पहले से लिखा हुआ है, आप लोग उसे अच्छे से याद करके रफ कॉपी पे लिख के देंगे। और आपका है चैप्टर नंबर 14, फुल लर्न प्लस फाइव। ये आप लोगों ने अपनी नई कॉपी पे लिखना भी है, याद भी करना है। इसके वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर आपने सब अपनी नई कॉपी पे लिखने हैं, और इसकी एक्सरसाइज भी आप लोगों ने बुक पे करनी है। आ रहे हैं आपका कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 6 के आपके शॉर्ट क्वेश्चन है 1, 2, 3। जो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 है, उसके शॉर्ट क्वेश्चन 1, 2 और 3 आप लोगों ने अपनी नई कॉपी पे लिखने भी हैं और याद भी करने अच्छे से। और साइंस का है यूनिट नंबर 9, कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के हैं 3 वाला और 4। 3 और 4 जो दोनों शॉर्ट क्वेश्चन हैं आप लोगों के कंस्ट्रक्टिव वाले, वो आप लोगों ने अपनी नई कॉपी पे लिखने भी हैं, याद भी करने हैं। और कंप्यूटर का ये जो आप लोग है, अब आगे शॉर्ट क्वेश्चन जो आप लोगों ने फर्स्ट लिए हैं, ये पहले का आंसर है। क्वेश्चन आप लोगों ने बुक से देख के लिख लेना है, और ये उसका जवाब यहाँ से इतना, ये पहला। ये दूसरे वाले का जवाब यहाँ से इतना, और ये तीसरे वाले का जवाब भी आप लोगों ने अपनी नई कॉपी पर लिखना है, अच्छे से याद करना है। इसके बाद आप लोगों का साइंस का, साइंस का आप लोगों का कंस्ट्रक्टिव वाला जो तीसरा सवाल है, उस पर है व्हाट टाइप ऑफ सर्किट कंटेन 2 और मोर ब्रांचेस फॉर द करंट टू फ्लो। उन्होंने पूछा है कि वो कौन सा सर्किट जो है वो हमें हमारा यूज़ होता है करंट को फ्लो करने के लिए। हमें बताना है कि करंट जो हमारा फ्लो करता है वो कौन से सर्किट पे फ्लो करता है सही से। अ पैरेलल सर्किट इज़ अ सर्किट विच कंटेन 2 और मोर ब्रांचेस फॉर करंट टू फ्लो। पैरेलल सर्किट वो सर्किट है जिसमें हमारे पास 2 या 3 ब्रांचेस होती हैं जिसपे करंट फ्लो कर सकता है। हमने देखा था कि पैरेलल वो होता है, अगर एक चीज़ हमारी यहाँ पे लगी है तो दूसरी चीज़ हमारी यहाँ नीचे लाइन पे लगी होगी। हमारे पास करंट फ्लो करने के पास ब्रांचेस में रास्ते होते हैं। हमारा एक करंट इधर से इधर भी जा सकता है और यहाँ से आगे ऊपर भी जा सकता है। इसे हम कहते हैं ब्रांचेस टू करंट टू फ्लो। हमारा करंट किसी भी डायरेक्शन पे कहीं पर भी जा सकता है। इन अ पैरेलल सर्किट 2 और मोर इलेक्ट्रिक डिवाइसेस आर कनेक्टेड इंडिपेंडेंटली अक्रॉस अ सोर्स सेल और बैटरी। एक हमारे पास यहाँ पे एक सेल और बैटरी होती है जिसमें दो या दो से ज़्यादा भी हमारे पास इलेक्ट्रिक डिवाइस लग सकते हैं जो होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं करते। ये नहीं है कि ये चलेगा तो ये चलेगा, अगर एक बंद हो या दोनों बंद होंगे। हमारे पास ऐसे भी हो सकता है कि ये चलता रहेगा, ये बंद रहेगा, दोनों आपस पे एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, इंतजार नहीं करते। ये गिवन मल्टीपल पार्ट टू द करंट टू फ्लो, इनके पास मल्टीपल पार होता है फ्लो करने के लिए। आइए आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4, ड्रा एंड इंटरप्ट सिंपल सर्किट डायग्राम यूजिंग सिंबल्स। आप लोगों ने सिंपल सर्किट का जो सर्किट है उसकी डायग्राम बनानी है, उस पर सिंपल लिखना है। उसका हमारा सिंपल सर्किट होता कैसे है, ये आप लोगों की डायग्राम है। सिंपल सर्किट में हमारे पास एक वायर होती है, जो वायर हमारे पास जो कनेक्ट की होती है हमें बैटरी के साथ। एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल, जिसमें हमारे पास वायर जुड़ी होती है। पॉजिटिव टर्मिनल के साथ हमारे यहाँ बल्ब होता है, और जो नेगेटिव है उसका हमारा हमेशा स्विच होता है। ये हमारा जो हमने ये बनाया है, ये हमारा स्विच है। अभी फ़िलहाल ओपन है, मतलब कि हमारे पास ये ओपन सर्किट अभी बना हुआ है। अगर हम इसे यहाँ से बंद कर देंगे, हमारे पास बन जा रहा है क्लोज सर्किट। और इसके साथ हमारे पास एक आता है बल्ब। हमारे पास ये 4 चीज़ें हमारे पास यूज़ होती हैं इस सिंपल से सर्किट डायग्राम में। एक वायर जिसे हमने कनेक्ट किया, जिसे करंट पास होगा, बल्ब जो हमारा चलेगा, स्विच हम स्विच ऑन करेंगे तो चलेगा, और इसे यहाँ से खोल देंगे तो हमारे पास ये ऑफ हो जाएगा। और ये बैटरी जिसे हमें उसके वोल्ट्स वगैरह और करंट वगैरह मिलते हैं, जिसे हमारे पास केमिकल एनर्जी स्टोर होती है। आगे है दिस सर्किट डायग्राम डिपेट्स दैट, ये सर्किट डायग्राम हमें दिखा दिया है एज अ सिंपल सेटअप वेयर अ बैटरी सप्लाइज पावर टू द बल्ब। ये सर्किट जो हमने जो बनाया है वो हमें बता रही है कि जो बैटरी है वो पावर सप्लाई कर रही है बल्ब को थ्रू आउट अ वायर, मतलब वायर की मदद से बैटरी जो है बल्ब को पावर सप्लाई कर रही है। एंड द स्विच कंट्रोल वेदर द बल्ब इज एलिमिनेट और नॉट। एलिमिनेट मतलब उसे जलाती है, ये जो स्विच है उसकी मदद से हमें ये पता चलता है कि हमारा बल्ब जल रहा है या बंद है। स्विच ऑन होगा तो बल्ब जल जाएगा, अगर स्विच ऑफ होगा तो बल्ब बंद हो जाएगा। यहाँ तक आप मैंने अच्छे से याद करना है और इसे अपनी नई कॉपी पे लिखना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।